बुधवार को दमोत्तर में प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर आज लोकसभा चुनाव के प्रतापगढ़ विधानसभा चुनाव कार्यालय पर पत्रकार वार्ता का आयोजन हुआ। पत्रकार वार्ता को प्रदेश मंत्री पिंकेश पौरवाल एवं जिलाध्यक्ष गोपाल कुमावत ने संबोधित किया। वहीं पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश के मंत्री पिंकेश पौरवाल ने पत्रकारों को अवगत कराया कि प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने अपने घोषणा पत्र में मौजूद 40% संकल्प योजनाओं को 100 दिन में पूरा कर दिया है। प्रदेश की भजन लाल सरकार ने 100 दिन में प्रदेश की सबसे बड़ी पेयजल समस्या से निदान के लिए ERCP लागू की। इसके साथ ही पिछली सरकार में पेपर लीक पर युवाओं के सपनों के साथ किए गए खिलवाड़ को लेकर SIT का गठन कर पेपर लीक में शामिल लोगों को जेल भेजा गया तथा 450 रुपये प्रदेश की जनता को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है तथा आरोग्य आयुष्मान जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं लागू करना शामिल है। साथ ही जनसभा को प्रदेश के राजस्व मंत्री हेमंत मीणा एवं सहकारिता मंत्री गौतम दत्त भी संबोधित करेंगे। पत्रकार वार्ता में जिला मीडिया संयोजक गोपाल धावाई, हार्दिक चौरिया एवं मंडल अध्यक्ष उत्सव जैन उपस्थित रहे। हम सबके यशस्वी राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी शर्मा का कल प्रस्तावित धमोतर का प्रोग्राम है। मेरा आप सभी से निवेदन है, प्रतापगढ़ विधानसभा से अधिक संख्या में सभी कार्यकर्ता, आम जनता, हम सबके आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जो कल सुबह धमोतर में आम सभा को संबोधित करेंगे, अधिक से अधिक संख्या में आप अपने साथ, अपने परिवारजन के साथ, अपने कार्यकर्ता बंधु के साथ धमोतर सुबह 11 बजे पहुँचे। हमें 26 तारीख को इस सभा के बाद 26 तारीख को जो मतदान है उस दिन अधिक से अधिक आप अपने परिवार, अपने आसपास के लोगों से अधिक से अधिक मतदान करावें। ये और लोकतंत्र में लगभग कोई भी मतदान करने के लिए नहीं रहे, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक घर से निकलकर कितना भी आवश्यक कार्य हो सबसे पहले अपना मतदान करें, उसके बाहर भी कोई आवश्यक कार्य करें और बाहर को जाना है साझा है लेकिन फिर भी आप मतदान करके उस शादी समारोह में या कोई भी आवश्यक कार्य में जावे, लेकिन अधिक से अधिक संख्या में 26 तारीख को मतदान हो और प्रतापगढ़ विधानसभा मतदान के मामले में एक मिसाल कायम करें। जय हिंद, जय भारत।